मिर्ज़ापुर इज लाइक अ फिनोमेनन यार, वो मतलब अभी ऐसे हो गया कि चाहे कोई कैरेक्टर जिंदा हो मर गया वो लोग अभी भी याद रखते हैं, अभी भी बोलते हैं कि कंपाउंडर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुन्ना भैया वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, एंड होपफुली एक दिन हम लोग वापस आ रहे हैं। क्या पता है, अभी तो सबको मार रहे हैं, तो जिंदा कब खेलना शुरू करेंगे देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक साधन बन जाता हूँ उनके सपनों को पूरा करने के लिए। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि मतलब अगर कहीं ना कहीं शायद वो दुआ मुझे वापस मिल रही है, अभी मुझे अपने करियर में कामयाबी मिल रही है। सो यू नो बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क फॉर देम ऑल्सो, इतने एक्टर्स के लिए मैं खुद लड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स जो है मेरे लिए भी थोड़ा लड़े। खुद एक्टर हूँ ना, तो समझ में आता है कि एक्टर्स का स्ट्रगल है क्या और कितनी सारी मुश्किलों से वो लोग सामना करते हैं। रिजेक्शन हमारे लिए रोज का पार्ट है। तो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा लगता है कि यार, तो पहले जब करता था तो ये अच्छा लगता था, खुद को मिले ना मिले किसी और को तो मिले। यार मोटिवेशन मिलती है जब खासकर जब इतनी ट्रेनिंग लेके आओ बॉम्बे, और जब उसकी वैलिडेशन मिलती है तो लगता है हाँ, वो जो ट्रेनिंग ली थी इतने साल पुरानी, वो मतलब कहीं ना कहीं सफल हो गई। सो या वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स और हूएवर यू नो गिव्स अ नॉमिनेशन। आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। मिर्ज़ापुर इज लाइक अ फिनोमेनन यार, वो मतलब अभी ऐसे हो गया कि चाहे कोई कैरेक्टर जिंदा हो मर गया वो लोग अभी भी याद रखते हैं, तो अभी भी बोलते हैं कि कंपाउंडर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुन्ना भैया वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, एंड होपफुली एक दिन हम लोग वापस आएंगे। क्या पता है, अभी तो सबको मार रहे हैं, तो जिंदा कब खेलना शुरू करेंगे देखते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इस वक्त जाना है क्योंकि वो वापस आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक साधन बन जाता हूँ उनके सपनों को पूरा करने के लिए। आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि मतलब अगर कहीं ना कहीं शायद वो दुआ मुझे वापस मिल रही है, तभी मुझे अपने करियर में कामयाबी मिल रही है। सो यू नो बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क फॉर देम ऑल्सो, इतने एक्टर्स के लिए मैं खुद लड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स जो है मेरे लिए भी थोड़ा लड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक खुद एक्टर हूँ ना, तो समझ में आता है कि एक्टर्स का स्ट्रगल है क्या और कितनी सारी मुश्किलों से वो लोग सामना करते हैं। रिजेक्शन हमारे लिए रोज का पार्ट है। तो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा लगता है कि यार, तो पहले जब करता था तो ये अच्छा लगता था, खुद को मिले ना मिले किसी और को तो मिले। या ऑफकोर्स स्त्री टू, फिर वेदा भी आ रही है, इसके बाद सेक्शन 84 बच्चन सर के साथ, राणा नायडू 2, और अभी एक नई फिल्म शुरू हुई है हिसाब, विपुल शाह डायरेक्ट कर रहे हैं, जयदीप अलावत, शिफाली शाह और मैं। शो अस लव फॉर स्त्री टू गाइज, 15 अगस्त को आपको आना है, और साथ में वेदा भी देख लेंगे, उसमें भी मैं हूँ।